अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आप सबको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का हमारा कुछ व्लॉग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। वो इस तरह के आज एक बहुत ही अहम और ख़ास दिन है। वो क्या दिन है उस हवाले से मैं आपको बताती हूँ। आज बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा और मौला अली अलैहिस्सलाम की शादी का अख्त का दिन है। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम उस हवाले से कुछ बात करें। तो मैंने बच्चों को भी मैं बताना चाहती थी, तो आज बच्चे भी सुनना चाहते हैं, तो आज मैं उन्हें भी बुला लेती हूँ अपने पास कि वो भी जो है सुन लें, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं उनके सामने जो है वो इसको रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने कहा कि हम अपने व्यूवर्स को भी हम बताते हैं, सुनाते हैं और छोटे से वाक़यात उनकी शादी का और बच्चों को भी। तो व्यूवर्स, ये हमने मौला अली अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा और जनाब बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अख्त के सिलसिले में हमने छोटी सी न्याज रखी है, न्याज सॉरी। और ये हमने छोटा सा सेटअप किया है जो बहुत प्यारा लग रहा है। तो व्यूअर्स, बच्चे भी आ गए हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं मौला अली से मुतालिक जो ये सिनेरियो है आप सबके साथ भी शेयर करूँ और बच्चों को भी सुनाऊँ, ताकि वो भी अपने आने वाली नस्लों को ज़ाहिर इसी तरह से सुनाएंगे जैसे हम आप हमेशा बयान करते आए हैं। हमने भी दूसरों से, अपने बड़ों से, अपने लोगों से सुनी ये बातें, तो हमें अपने बच्चों तक भी पहुँचानी चाहिए। और चूँकि आज मौला अली का दिन है और अख्त का दिन है बीबी फातिमा का, तो हम उनके ज़रूर हमें ये चीज़ें बयान करनी चाहिए। तो बच्चे भी आ गए, तो हम शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जनाब बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बार बार जो है वो रिश्ते के लिए सवाल आ रहे थे। कई असहाबे रसूल बीबी फातिमा के लिए सवाल कर रहे थे और कई मोतबर शख्सियात जो हैं वो उस वक्त चाहती थी कि बीबी फातिमा ज़हरा उनके घर की जीनत बने। लेकिन जो यानी उनकी शादी हो जो है वो वहाँ पर हो, और बड़े लेकिन अल्लाह जिसे, लेकिन वही बात है कि अल्लाह जिसको चाहे उसका इंतखाब करता है। तो अल्लाह ने चूँकि मौला अली का इंतखाब किया हुआ था, तो उसका वाकया यूँ है कुछ के जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अली क्या बात है, खैरियत तो है, क्या आज फातिमा के हवाले से सवाल करने आए हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने नज़रों को झुका लिया अदब से और कहा कि जी। और ये सुनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुश हो गए और उन्होंने, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर होगा। और उन्होंने कहा कि तमाम असहाब रसूल की तरफ इशारा किया और कहा कि आज जो है वो अल्लाह ताला एक ऐसी निशानी ज़ाहिर करेगा आज की रात के, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि मुझे फातिमा की शादी कहाँ करनी चाहिए। मतलब तो उस हवाले से उन्होंने ये इशारा दिया और तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम असहाब की तरफ मुँह करके कि आज अल्लाह ताला कुछ ऐसी रात में ऐसी निशानियां ज़ाहिर करेगा जिससे ये ज़ाहिर होगा कि फातिमा को भी शादी कहाँ होनी चाहिए। तो तमाम असहाब रसूल जो हैं वो ये दुआ मांगने लगे कि काश ऐसा हो कि बीबी फातिमा जो है वो उनका उनसे निकाह हो। तो बहरहाल उधर बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो मुस्तकिल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर का विर्द कर रही थी, और तो उधर बीबी फातिमा जो है वो अल्लाहु अकबर का मुस्तकिल विर्द कर रही थी। तो रात में सब ने देखा कि एक सितारा जो है वो आसमान की तरफ से नमूदार हुआ और वो चलना शुरू हुआ। तो बीबी सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी देख रही थी और तमाम जो असहाब रसूल हैं वो भी देख रहे थे और रसूल भी देख रहे थे। और वो तारा जैसे ही बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा
तो बीबी फातिमा ज़हरा भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 का वर्द करने लगी, और जैसे ही वो 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुकी तो वो सितारा जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के आंगन में उतर गया। और जब वो सितारा वो नूर इमाम अलैहिस्सलाम के घर तक पहुंचा तो तमाम असहाब ये इशारा समझ गए कि अब कि अल्लाह का रसूल अल्लाह क्या चाहता है। और बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये मंज़र देखा और उन्होंने कहा कि वो फौरन जो है उन्होंने सुबहान अल्लाह का वर्द करना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह का वर्द शुरू कर दिया। और जब वो 33 मरतबा तक पहुँची तो वो नूर जो है वो मौला अली के घर तक पहुँच कर फिर गायब हो गया। वो सितारा वो नूर कह लें सितारा कह लें वो बहरहाल एक नूर का हाला कहते हैं। और जब अल्लाह के रसूल ने और उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने तमाम असहाबे रसूल की तरफ मुंह करके कहा कि और की तरफ इशारा किया और कहा कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी यही है कि मैं अपनी बेटी का निकाह जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम से करूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सदा शुक्र अदा किया और ये दुआ की अल्लाह ताला से, कहा कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को मेरे लिए मुंतखब किया। उधर तमाम असहाबे रसूल जो हैं वो मौला अली को मुबारकबादें देने लगे, या अली मुबारक हो या अली मुबारक हो की सदाएँ बुलंद। तो फिर अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को बुलाया और कहा कि अली अक का इंतज़ाम करो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौला या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, एक मेरी ज़िरा जो जंग के ज़माने में पहना करते थे, एक मेरी ज़िरा और एक मेरी तलवार। और जब मैं तलवार जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ यानी दीन इस्लाम के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और जब मैं मजदूरी के लिए जाता हूँ तो उसी तलवार से मैं गढ़े खोदता हूँ, तो और दूसरे मेरे पास है एक ज़िरा जो जंग के दौरान जंग में पहनी जाती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली जाओ ज़िरा को बेच दो। तो मौला अली बाज़ार गए और अपनी ज़िरा को बेचा और कोई 480 दिरहम उन्हें मिले, और वो लाके उन्होंने 480 दिरहम लेकर वो आए और उन्होंने जनाबे बीबी उम्मे सलमा को कुछ पैसे दिए, कुछ दिरहम दिए पैसे नहीं सॉरी कुछ दिरहम दिए और कहा कि जाएं आप बीबी फातिमा तुज़्ज़रा सलामुल्लाह को दुल्हन बनाएं और कुछ खुशबू ख़रीदें उनके लिए, और कुछ पैसे आपने हज़रत बिलाल हबशी जो उनके ग़ुलाम थे उनको दिए और कहा कि बाज़ार जाओ और कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो ख़रीदो। और हज़रत बिलाल हबशी जो हैं वो बाज़ार चले गए और उन्होंने कुछ सामान ज़िंदगी ख़रीदा। और हज़रत बिलाल हबशी जो हैं जैसे मैंने बताया कि फिर बाज़ार गए और उन्होंने कुछ सामान ज़िंदगी ख़रीदा, जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि एक सर की ओढ़नी, एक काली चादर, एक खजूर का तख्त, खजूर के तनों का बना हुआ तख्त, और एक खजूर की छाल, और एक चक्की, और एक अदद दूध का प्याला, एक अदद पानी का प्याला, और यही कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी। और हाँ, और एक सब्ज़ मटका था और एक हरे कलर का मटका भी था। और वो सारा सामान लेकर वो मौला अली के पास आए और मौला अली को सामान दिया लाकर, और मौला अली ने वो सामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सामान पहुंचा तो आप ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा कि
और रसूल के पास जब मौलादी सामान लेके पहुंचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाया और अल्लाह की बारगाह में और कहा कि ए अल्लाह, तुम मेरे दोनों बच्चों को, मौला अली को, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दुनिया और आखरत में सुरखुरू फरमाना, और जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी करना, और जो इनको महबूब रखे तो उनको महबूब रखना। इतनी देर में मौला अली अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत अकील और हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अकील और हज़रत सलमान फ़ारसी के साथ जो है वो लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का हाथ जो है वो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का हाथ मौला अली के हाथ में दे दिया और कहा, बीबी फातिमा से ये मुखातिब होकर फरमाया कि फातिमा, अली को, अली, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अली को तुम्हारे लिए चुना, और मैंने और अल्लाह ने दोनों ने मिलकर अली को तुम्हारे लिए चुना, और तुम, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सुरखुरू करे, और अल्लाह तुम दोनों की नस्ल को ता कयामत कायम रखे, और तुम दोनों की औलाद सैयदो सादात कहलाएगी, और सलाम हो बीबी फातिमा ज़रा सलामुल्लाह अलैहा पर, और सलाम हो मौला अली के रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि ये जोड़ा जो है वो वैसे भी पहले भी आसमानों पर तय हो चुका था और फिर उसके बाद ज़मीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने मिलकर इसका फ़ैसला किया। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारे आज के व्लॉग का टाइम ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं किसी अच्छे एक नए व्लॉग के साथ, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।